बुलबल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयालु की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सुन रहे हैं 84 वैष्णव वार्ता। आज 50वां दिवस, सो भाग 50। और अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक वासुदेव दास छकड़ा सारस्वत ब्राह्मण सिंह नंद के वासी तिन की वार्ता को भाव कहते हैं। सो सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण। भाव प्रकाश। वासुदेव दास श्री नंदराय के मुख्य खवास हैं। नंदराय जी जहाँ जाते तहाँ नंदराय जी के वस्त्र पात्र सब ले चलते। लीला में इनको नाम मनसुखा है। सुवासुदेव दास सिंह नंद में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सुसारस्वत के द्रव्य बहुत अतो। सुवासुदेव दास बरस 13 के भय सुहाकिम ने दंड सिंह नंद में थे सब पैते लियो। सुवासुदेव दास के पिता पर 2000 को दंड कियो। तो वासुदेव दास ने पिता सो कहो जो हाकिम को दंड काहे को देऊँ, हाकिम सो लड़ेंगे। तब वासुदेव दास के पिता ने कही जो हाकिम सो कैसे बरे आवेंगे। तो वासुदेव दास ने कही यह बात की मैं जानी, मुँह को बताए दीजो। सो हाकिम के प्यादे चार आए। तो वासुदेव दास ने उनसे कहो हम दंड कौन बात को दें, जो हाकिम सो कहो जो लड़नो हो तो लड़े, दंड तो हम ना देंगे। तब वे चारों प्यादे गारी गरा देन लागे जो हम तो तू को पकड़ के ले चलेंगे। तो वासुदेव दास चारों के हथियार छीन के ऐसो धक्का दिए जो वे चारों दूर गिर पड़े। पाछे वो हाकिम पास जाए पुकारे वासुदेव दास ब्राह्मण हमको मार्यो और हथियार छीन लीने और कहो हाकिम सो लड़ेंगे। तब हाकिम क्रोध में भर गयो, 40 प्यादे पठाए और कहो यही समय वह ब्राह्मण को बांध लाओ। सो 40 प्यादे को आवत देख वासुदेव दास दौर के 40 के भीतर बैठे। काऊ की पाग काऊ के हथियार ले, काऊ को मुक्का काऊ को लात सो मार, सवन को धरती में गिराए और हथियार छीन एक एक पाग में 5-5, 10-10 को बांध के हथियार सबके ले घर आए। सुसगरे हाकिम पास जाए पुकारे जो 1 बरस 13-14 को बालक है सो हमारे सबके हथियार छीन के सबकी मुस्क बांधो। ताते अब वह बालक कछु मनुष्य नहीं है, को देवता है, ताते तुम संहारे रहियो। तब हाकिम ने 500 मनुष्य आछे अपने संग के पठाए और मन में हाकिम हूँ डर प्यो। सो द्वार के आगे गली में एक छकड़ा आड़े कराए मार्ग बंद करो और छकड़ा पार 1000 मन पत्थर की शिला आड़ी दे। आप हथियार लेके 20 मनुष्य सो बैठे हो। सो 500 प्यादे देख वासुदेव दास फेंट बांध एक बड़ो लठ लियो ताको सगरे लोह में मढ़ो। मन दोई को भारी सो ले दौर के प्यादिन के बीच आए लठ फिरायो। सो एक बार फिराए में 50-60 एक के ऊपर एक गिरे। या प्रकार जैसे कुम्हार को चाक फिरे ता प्रकार 10-15 फेरा कर सगरे गिराए। प्यादे पाछे क्रोध के आवेश में वासुदेव दास भर गए। सो हाकिम जहाँ रहता तो तहाँ दौड़े। सो आड़े छकड़ा 1000 मन को देख ताको एक हाथ को धक्का दे उठाए। सो छकड़ा और पत्थर दूर जहाँ तहाँ जाए पड़े। छकड़ा टूक टूक वह गयो और छकड़ा पत्थरन को शोर भयो। सो 20 प्यादे सो हाकिम भाज जाए सरस्वती नदी में पैर दूर भाज गयो। सो वासुदेव दास हाकिम के चौतरा तूर गिराए पाछे अपने घर आए। पाछे रात्रि को हाकिम अपने घर आए। सिंहनंद के भले मनुष्य 2-4 शराब बजाज बुलाए के कहो तुम वासुदेव दास के घर जाए समाधान करे आओ। जो हम चूके तुमसो दंड लिए, अब तुम कहो तो हाकिम करो, कहो तो और गाम जाऊं, अब जन्म भरे तुमको कछु ना कहूँगो। तब वो हाकिम की सगरी बात कहे। तब वासुदेव दास कहे हमारे कहा हाकिम सो बैर है, आवो रहो। तब हाकिम रहो। दूसरे दिन वासुदेव दास सो मिल के कहो तुम मनुष्य नहीं हो,
कोई देवता हो सो मुँह पर दया राखियो, काम काज हो सो कहियो और वो छकड़ा उठाए के डार दियो। ता दिन ते सगरे गांव के लोग इनको वासुदेव दास छकड़ा कहते। सो वासुदेव दास को गर्व बहुत बढ़ो, काहू को गांव में मन में लावे नाहीं, गारी दे तो सब चुपके रहते। सो एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे, सो कृष्णदास सरस्वती में नहाते। ता समय भाग जोगते वासुदेव दास नहावे सिंहनंद में, सिंहनंद सो आए। सो वासुदेव दास जल उछालते कृष्णदास मेघन पास आए। तब कृष्णदास मेघन ने कही, तू कौन है छींटा देता आयो, ताते रंच दूर सुधी रीत सो नहाए, सबको छींटा तेरे परत है। यह कृष्णदास के वचन सुन के वासुदेव दास कृष्णदास के मारन को हाथ उठायो। सो कृष्णदास को श्री आचार्य जी की कृपा को बल सो वासुदेव दास के दो हाथ पकड़ लिए। सो ये वासुदेव दास बहुतेरे बल किए परंतु हाथ छूटो नहीं। तब हार मन में माने, पाछे पूछे तुम कौन हो। तब कृष्णदास मेघन ने कही, मैं तो श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम प्रगटे हैं, तिनको सेवक हूँ। पाछे कृष्णदास मेघन ने पूछे, तुम कौन हो। तब वासुदेव दास कहे, मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ। सो मेरे मन में बड़ो गर्व है, गर्व हो जो मोह बराबर बल काहू में नाई। मैं 500 प्यादे सहित हाकिम को हरायो, छकड़ा 1000 मन को डार दियो। सो मेरे हाथ तुम सहज में पकड़े में बहुतेरो बल कियो, छूटो नाहीं। तादे तुम्हारो है सो प्रभाव है, सो तुम्हारे स्वामी कैसे होंगे। सो मैं तुम्हारे संग चल के श्री आचार्य जी के दर्शन करूँगो। तब कृष्णदास हाथ जोड़ के हाथ छोड़ दियो। दो जने नहाए के श्री आचार्य जी पास आए। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास सो कहे, देख दमला भगवदीय जाको हाथ पकड़े ताको संसार में पार उतारे। सो कृष्णदास सहज में वासुदेव दास को हाथ पकड़े ताके भाग की कहा कहे। सो वासुदेव दास आए श्री आचार्य जी को दंडौत करे, पाछे विनती करी जो महाराज शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तुमको गर्व बहुत मन में रहते है, सो शरण हमारी आए के कहा करोगे, हमारी शरण ते दैन्यता होते है। तब वासुदेव दास कहे, महाराज अब मुको गर्व ना ही चाहिए, गर्व किए बिगार है, अहंकारी को भगवदीय सूझे नाही। कृष्णदास को अपराध कियो हो तो परंतु भगवदीय मेरे हाथ पकड़े ताते गर्व गयो। अब आप कृपा करो जाते मेरो जन्म सफल होए और आपको प्रागट्य हम सारे के अधमन के उद्धार अर्थ है। तब श्री आचार्य जी वासुदेव दास को नाम निवेदन कराए और कहे, तेरो नाम वासुदेव दास छकड़ा, आगे गर्व में छके रहते, अब भगवत रस में छके रहोगे ताते छकड़ा। और पांचों इंद्रिय विषय की छठों मन बस करोगे ताते तेरो नाम छकड़ा। और ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य छहों धर्म श्री ठाकुर जी में रहते सो तेरे में रहेंगे ताते नाम छकड़ा। या प्रकार कृपा कर आशीर्वाद दे सगरे धर्म हृदय में श्री आचार्य जी धर दिए। सो मानसी सेवा फल रूप में मन लग गयो ताते भगवत सेवा इनके ऊपर ना ही पधराए। तब वासुदेव दास ने कही, महाराज सिंहनंद पधारिए तो मेरे माता पिता को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, हमको सरस्वती नदी उल्लंघनी नाहीं, ताते सिंहनंद ना जाएंगे, ताते जा की श्रद्धा सेवक होन की होए तिनको लइयो और सो मत कहियो। तब वासुदेव दास श्री आचार्य जी को दंडौत कर सिंहनंद आए। माता पिता सो कहे, श्री वल्लभाचार्य जी थानेश्वर पधारे हैं, सुसाक्षात भगवान को स्वरूप है, ताते तुम सेवक हो, मैं उनको सेवक है के आयो। तब माता पिता ने कही, हम काल सवेरे चलेंगे, आज तो खान पान कर चुके। यह बात कहे सो इनके पड़ोस में सास बहू रहता थी, चित्रानी हती। सो सास को नाम गुर्जा, बहू को नाम समराई। सो इन यह बात सुनी तब वासुदेव दास सो पूछे, तुम माता पिता को सवेरे कहाँ ले जाओगे। तो वासुदेव दास जा प्रकार सेवक भय हते सो सब प्रकार कहे, जो मैं ऐसे अहंकारी दुष्ट हतो सो मुको अंगीकार किए। तब सास बहू ने कही, सवेरे हमू को ले चलियो। पाछे यह बात सब सिंहनंद में लोगन ने सुनी, जो थानेश्वर में श्री वल्लभाचार्य जी बड़े महापुरुष पधारे हैं, जिनको सेवक वासुदेव
दास छकड़ा ऐसो अहंकारी भयो सुसगरो गाम दर्शन करन को थानेश्वर आयो। तामे कितने के नाम पाए कितने के समर्पण किए थानेश्वर गाम में हूँ बहुत जने सेवक भय। सुसवेरे वासुदेव दास माता पिता को और सास बहू को सरस्वती में नवाए श्री आचार्य जी के पास आए दर्शन कर दंडोत किए। पाछे वासुदेव दास ने विनती करी महाराज ये माता पिता हैं इनको शरण लीजिए और ये सिंहनंद में सास बहू रहते हैं या बहू को धनी मर गयो सो ये दो आपकी शरण है। तब श्री आचार्य जी सास बहू को नाम सुनाए निवेदन कराए और वासुदेव दास के माता पिता को नाम सुनाए। तब वासुदेव दास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती करी महाराज माता पिता को ब्रह्म संबंध कराइए। तब श्री आचार्य जी कहे इनको इतनो ही अधिकार है इनसो निवेदन न सौधेगो तेरे संबंध सो इनको उद्धार कर दियो। तब सास ने विनती करी महाराज अब हमको कहाँ कर्तव्य है सो आप कृपा करके कहिए। तब श्री आचार्य जी कहे तुम भगवत सेवा करो। तब सास ने विनती करी महाराज अब हमको सेवा पधराय दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे तुम सरस्वती नदी में जाओ तहाँ तुमको भगवत स्वरूप प्राप्ति होएगो सो ले आओ। तब सास सरस्वती पर आई देखे तो जल के किनारे एक ठाकुर विराजे हैं सो देख के बहुत प्रसन्न भई लाए के श्री आचार्य जी को दिए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत कराए के सास बहू के माथे पधराए श्री ठाकुर जी को नाम श्री दामोदर जी धरे। पाछे कहे घर जाए के सेवा करो। तब सास बहू को घर आए सास चतुर हती सो सेवा करे बहू भोरी हती सो ऊपर की प्रचार की करती। सो सास बहू की वार्ता आगे कहेंगे तहाँ इनको लीला का स्वरूप भाव कहेंगे। पाछे वासुदेव दास सो श्री आचार्य जी कहे अब तुम माता पिता को लेके घर जाओ। तब वासुदेव दास ने कही मेरो मन आपके संग रहवे को है। तब श्री आचार्य जी कहे अब तो तुम माता पिता को घर ले जाए के गांव में रहो पाछे माता पिता की देह कुछ दिन में छूटेगी तब तू हमारे घर में आए रहियो। तब वासुदेव दास दंडवत कर माता पिता को सिंहनंद में ले गए। श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वार्ता प्रसंग एक। और एक समय श्री आचार्य जी अड़ैल में विराजत हते सो एक दिन भंडारी ने श्री आचार्य जी से कही महाराज आज भंडार में सीधो सामान कछु नहीं है। तब श्री आचार्य जी एक सोने की कटोरी श्री ठाकुर जी के मंदिर में ते लाए दिए और कहे आज के लायक राजभोग पर्यंत की सामग्री ले आओ अधिकी मत लइयो ये बनिया के यहाँ कटोरी गहने धरे आइयो। तो भंडारी सोने की कटोरी ले बनिया के यहाँ धरे राजभोग की सामग्री सब लायो। पाछे सामग्री कर श्री ठाकुर जी को भोग धरे समयानुसार भोग सराय आरती कर अनौसर कराए महाप्रसाद श्री यमुना जी में पधराए दियो और बाकी गायन को खवाए दियो। आप परिकर सगरे सेवक सहित भूखे ही बैठे रहे। सो ये वैष्णव को शिक्षा दिए जो श्री ठाकुर जी की वस्तु होए सो वैष्णव को लेनी नहीं ठाकुर आरोगे यह रीत सबको सिखाए। और यहाँ सिंहनंद के सगरे वैष्णव मिलके श्री आचार्य जी की भेंट की मोहर 30 आती सो वासुदेव दास छकड़ा को दीनी जो ये श्री आचार्य जी को पहुँचती होए तो आछो। तब वासुदेव दास बैरागी को भेज दर सगरी मोहर को लाख के गोला सालिग्राम जैसे कर चंदन चढ़ावत चले। सो सिंहनंद के चले थानेश्वर रहे वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए। थानेश्वर के चले दिल्ली रात्रि रहे वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए। दिल्ली के चले मथुरा रहे वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए। मथुरा के चले आगरे रात्रि रहे वैष्णवन के घर महाप्रसाद लिए। मार्ग में चोर ठग मिले सो जाने जो बैरागी है सालिग्राम पूजत जात है। सो आज वार्ता को यहीं विश्राम करें हैं और यहाँ से आगे की वार्ता आप कल श्रवण करेंगे। सो सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।